मैंने इस बार यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं। अब दूसरा आ गया है 11 में, अब घर के जानवर, जानवर के घर, तो यानी घर ये दिख रहे हैं मकड़ी यहाँ अपना घर में कैसे रहते हैं, जाल में रहते हैं ये, चूहा अपना बिल में, चूहा जो अपना बिल में कैसे घुसते हैं, इसके बारे में जानवर का घर कैसे होता है, कैसे जानवर किस प्रकार के चलता है, छिपकली कैसे चलता है, ये सब दिखाया गया है और सब। तो ये दोनों माँ और जो बेटा है इसका बात कर दोनों हो रहा है कि नहीं हम लोग का घर जो हम लोग का घर है केवल है इसी बात नहीं है कि वह सब जानवर का भी घर अलग अलग होता है, वो इसके बारे में जानवर के बारे में खालस्तान के बारे में बताया गया है। तो चेतिया के रहने का खालस्तान कैसे होता है, मकड़ी का चूहा का ये घर है। विशेष इसी डेट में आने वाले इसमें कुछ प्रश्नों जैसे विशेष कुछ है नहीं। अब आ जाते हैं ये पाठ 12 में, छुक 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 छुक, यह रेलगाड़ी का ये कविता है, या रेलगाड़ी की मैंने कहाँ कहाँ रेलगाड़ी जाती है या किस प्रकार से वह चलती है इसके बारे में बताया गया है इसमें। तो और इसमें से कभी कभी बोलती है, वो बताते हैं कि हम रांची गए थे, वहाँ पर गए थे, वहाँ तो कभी गए थे, पहले तो ऑटो से चलते थे लेकिन आजकल जो ई रिक्शा निकला है उसमें साउंड ही नहीं होता है। तो ये रेलगाड़ी के साथ साथ ये ई रिक्शा का उपयोग किया गया है। जहाज का भी वर्णन है इसमें, और स्टीमर गाड़ी का है, लेकिन ये यहाँ पर ये सब है नहीं, इसके बैक पेज में है, वो सब उतना जरूरी नहीं है इसलिए मैं इसको मैंने डाला नहीं है। आप देख रहे हैं और पाठ 13 में पानी तेरे कितने काम, तो ये पानी के बारे में मतलब पानी को मेन उद्देश्य यहाँ पर इस पाठ से है कि पानी को जो बर्बाद हो रहा है उसको कैसे रोकना है और उसको पानी को संचित करना है, बर्बाद नहीं होना, जितना काम पानी का लगे उतने ही मतलब उपयोग करना चाहिए। और यदि गांव घर में जैसे चापाकल सूख जाता है, पोखर सूख जाता है, तो इसका कितना कष्ट होता है ये इस पाठ में दर्शाया गया है। और हम लोग चलते हैं अब आगे दूसरे पाठ की ओर। दूसरा पाठ है समझो इशारे, दूसरा पाठ है ये समझो इशारे, ये देख रहे हैं आप समझो इशारे, 14 पाठ में समझो इशारे। तो ये इसमें से भाषा जो होता है हम लोग खाली बोलते हैं सुनते हैं, लेकिन बहुत भाषा का ये वो भी एक साधन है जो इशारा से भी बातचीत कर सकते हैं, इसलिए उसको भी भाषा कहते हैं। इस उसमें है उसमें कहता है भाषा में कि जैसे व्यक्ति कुछ न कुछ हर व्यक्ति में गुण होता है, भाषा इशारे के सहारा ही समझा जाता है। कुछ संकेत का भी विशेष महत्व होता है, जैसे आप रेलवे फाटक पार नहीं करना चाहिए उसमें एक सिंबल लगा दिया जाता है, जबरा क्रॉसिंग का भी रहता है उसमें कैसे पार होना है उसका भी सिंबल रहता है, जहाँ पर एक सर्किल बना हुआ रहता है पी लिख के उसको क्रॉस कर दिया जाता है तो उसमें साउंड ज़्यादा नहीं बजाना चाहिए, ब्रेकर का सब सम सिंबल का एक भाषा का उद्देश्य, भाषा का इशारा करता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, भाषा के माध्यम से हम लोग जान पाते हैं कि भाषा कैसे कैसे होता है। इससे और इसमें एक इसमें दिखाया गया है रांची में संत मिखाइल नेत्रहीन विद्यालय है, वहाँ पर जो वहाँ बच्चे पढ़ते हैं उसमें अशक्त बच्चे पढ़ते हैं, तो अशक्त बच्चे जो संवेदनशील होता है तो उसके प्रति वो हम लोगों को बहुत संवेदनशील होता है, उसके बारे में बताया गया है कि जो अशक्त जो बहुत पर्सन होते हैं वो जो विकलांग होते हैं किसी तरह से, हाँ हाथ पैर नाक किसी तरह से भी हो सकते हैं वो, तो इसके प्रति हम लोग को बहुत संवेदनशील होना चाहिए इस पाठ की मदद से। और उसमें से एक उसमें इस कहानी का जो सीटेट में अक्सर पूछा जाता है कि लुई ब्रेल जो फ्रांस के निवासी थे, जब वह 3 साल के थे तो एक दिन अपने पिता के औजारों से खेल रहे थे, अचानक एक नुकीले औजार से उनकी आंखों में चोट लग गई तथा आंखें खराब हो गई। अब वह उस जिसे आंख बहुत इलाज कराने के बाद भी उनका आंख जो है बिल्कुल खराब ही हो चुका था, वो आंख वह कभी उसका उससे आंख में दिखाई देना बंद हो गया। उन्हें पढ़ने लिखने में काफ़ी रुचि थी, उन्होंने जिंदगी से हार नहीं मानी और वे पढ़ने के लिए तरह तरह की तरकीब सोचते रहते थे। उन्होंने आखिर ढूंढ ही लिया एक तरीका छूकर पढ़ने का, यह तरीका ब्रेल लिपि का नाम से जाने जाने लगा। यह लिपि मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं और उभरे होने के कारण उसे आँच आँच हाथ से स्पर्श करके उसे पढ़ा जा सकता है। और यह इसमें और विशेष कुछ खास इसमें बात है नहीं। अब हम चलते हैं दूसरी चैप्टर की ओर। ये दूसरा चैप्टर है ये
संदेश आते हैं, तो इसमें बताया गया कि संदेश पहले चिट्ठी किस प्रकार का आता है। चिट्ठी पहले हम लोग यहाँ पर पोस्ट करते थे इसको, इसके बाद यहाँ बंद बंद करके अपना पोस्ट ऑफिस में वो लाल डब्बा में डाल देते थे। लाल डब्बा में डालने के बाद दूसरे दिन वह डाकिया उसको खोलता था, इस यहाँ ठप्पा लगा के फिर उसको जिस जहाँ जाना है, रांची जाना है, दुमका जाना है, भागलपुर जाना है, कहीं भी जो जहाँ जाना है वह इस उसकी मदद से वह अपना बोरी में छाँट कर उसके एकत्र करके लाल गाड़ियों में उसको तरह भेज देती थी। उसके बाद वह जाने लगते थे। तो ये पहले पुराने ज़माने में ये इस तरह का ये उपयोग किया जाता था, लेकिन अब के अब जो अब का उपयोग हो रहा है, अब कैसे उपयोग हो रहा है, अब जो है उस तरह तो हो नहीं रहा है, अब यह उपयोग दूसरे तरह से हो रहा है। कैसे यहाँ उपयोग हो रहा है, अब यह संदेश जो आते हैं वह हम लोग का क्या उपकरण है, तार आता है, टेलीग्राम आता है, दूरभाष आता है, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, वीडियो कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि से हम लोग आजकल इसका उपयोग ज़्यादातर होने लगता है। इसलिए संदेश के बारे में यह दो संचार का उपयोग क्या क्या है ये पूछा जाता है। अब नेक्स्ट चलते होता है, नेक्स्ट है हम बनाएं, ये मिट्टी का जो खिलौना बनाने वाला कि मिट्टी लाओ पानी लाओ ये बता रहे हैं कि एक जो है इसमें मिट्टी से बर्तन जो कैसे बनता है, कैसे ये घूमता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें बनाया गया ये बर्तन जो है कैसे पकाया जाता है। तो जैसे पकाया जाता है जैसे उसको आव कहते हैं, उसको कहा जाता है आवा। आवा मतलब वो तो एक सब जो छोटा सा जितना बर्तन देख रहे हैं आप, इस बर्तन को क्या करते हैं एक बहुत सारा गड्ढा किया जाता है, उसमें गोइठा उठा लकड़ी दे के इसके बाद सारे बर्तन को रख दिया जाता है, उसके बाद फिर लकड़ी गोइठा दे के इसको पूरा ढक दिया जाता है, उसके बाद इसको चारों ओर से पुआल भूसी दे के इसको बंद कर दिया जाता है, उसके बाद मिट्टी का पूरा लेप लगा कर इसको इस पर चूल्हा में आग लगा दिया जाता है, ये पूरा पक कर तैयार हो जाता है। इसी तरह इसको पकाने का विधि को आवा कहते हैं, यही चैप्टर में बताया गया। दूसरा और दूसरी ओर नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट 17 है ये बायां दायां। तो इसमें बायां दायां से यह बताया गया है कि दिशा इसमें किस दिशा की ओर होना चाहिए, कैसे दिशा, बिना दिशा का नक्शा नहीं बन सकता है, नक्शा और नक्शा देखने के लिए दिशा का ज्ञान जरूरी होता है। हम कहीं भटक जाते हैं या रात में भटक जाते हैं तो दिशा का बहुत जरूरी होता है, इसलिए इस चैप्टर में बताया गया है दिशा का होना और दिशा मानचित्र को समझने के लिए दिशा का होना बहुत जरूरी होता है, और संकेत मानचित्र में जो संकेत होता है उसको भी समझना बहुत जरूरी होता है, तभी हम लोग वह मानचित्र को पढ़ सकेंगे और उसके बारे में जान सकेंगे। अब ये है अंतिम चैप्टर, ये भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक ये डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु, यह है इनका जन्म हुआ था 30 नवंबर 1853 में और इसका मृत्यु जो है 23 नवंबर 1937 को हो गया था। यह रेडियो विज्ञान का पिता माना जाता है इसको, और यह उन्होंने एक यंत्र का आविष्कार किया था, क्रिस्कोग्राफ यह आविष्कार किया था। इसमें होता है क्या कि जो पौधे में जो उत्तक होता है वह किस प्रकार से वृद्धि होता है, कैसे बढ़ता है, उसमें संवेदनशील होता है, ये इसमें दिखाया गया है। और यह और विशेष इसमें और कुछ चैप्टर में है नहीं, अब बस आप लोग इतना ही इसमें इस चैप्टर में है। 3 क्लास के जो EBS की बुक हैं यही अंतिम रहता है। अब आप लोग नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि 4 क्लास का अभी है उसके बाद। धन्यवाद, अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।